नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी नेट न्यूज। रक्तदान करें और जीवन का उपहार दें। जी हाँ, आज इस रक्तदान दिवस के अवसर पर मऊ के पहले कम्युनिटी ब्लड बैंक सेंटर शारदानंद हॉस्पिटल मऊ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर की शुरुआत स्वयं शारदानंद हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह द्वारा स्वयं रक्तदान करके हुआ। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत में आज कुछ पत्रकारों ने भी शारदानंद हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट कर एक नया संदेश दिया। रक्तदान दिवस के अवसर पे और मैं शारदानंद अपने ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं और सारे हर साल हम लोग करते आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको जो रक्तदान के फायदे हैं कि रक्तदान देने से आप 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, तो उम्मीद है कि इससे बहुत से लोग प्रेरित होंगे और रक्तदान करेंगे। तो हम लोग खुद इसलिए अपना हर बार रक्तदान दिवस के अवसर पे और जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी को रक्तदान के लिए देने के लिए मैं और मेरा पूरा हॉस्पिटल स्टाफ हमेशा तत्पर रहता है और मैं उन लोगों सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस रक्तदान में आगे बढ़ते हैं, समाज में आगे आते हैं, चाहे पत्रकार बंधु से हों, मीडिया से हों, चाहे हमारे अस्पताल के स्टाफ हों, चाहे सामाजिक लोग, और जो नहीं देते उनको भी मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि भविष्य में आप अगर रक्तदान करेंगे तो आपको खुद बहुत फ़ायदे हैं, उसके आपको बीमारियां कम होंगी और आप स्वस्थ रहेंगे, वज़न आपका नियंत्रित रहेगा और तमाम ऐसे बीमारियां, कैंसर की बीमारियां भी कम होती हैं। तो आप लोग खुद बढ़ चढ़ के रक्तदान करें और लोगों की ज़िंदगी बचाएं। ये सबसे बड़ा महादान माना जाता है, रक्तदान सबसे बड़ा महादान है और ये आप जो ब्लड दे रहे हैं ये किसी भी व्यक्ति के जान बचाने में काम आएगा, तो आपको तमाम दुआएं मिलेगी और जिससे आप खुद एक आपको खुशी महसूस होगी। किसको रक्तदान करना चाहिए सर? 18 साल से बड़े और 60 साल से कम कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है अगर उसका हीमोग्लोबिन अच्छा है, और उसके फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, किसी के कमजोरी है, अगर हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तो ऐसे व्यक्ति अगर रक्तदान करना चाहता है तो उसका खुद हम लोग नहीं लेते हैं ब्लड, लेकिन जो व्यक्ति फिट है 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इवन कई लोगों के दिमाग में भ्रांति होती है मैं डायबिटीज से पीड़ित हूँ, ऐसे तो नहीं, ऐसा कोई नहीं, डायबिटीज का व्यक्ति भी रक्तदान कर सकता है, उसका शुगर अगर कंट्रोल है। नाम बताया रतन शर्मा, क्या करवा रहा है ये कर? आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है शारदानंद हॉस्पिटल में, वहाँ डॉक्टर संजय सिंह ने भी रक्तदान किया है और लोगों में रक्तदान से लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ है, लोग रक्तदान के नाम पे बहुत पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि रक्तदान करने से ये समस्या होगी, ऐसा कुछ नहीं, लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा करना चाहिए और 18 से 60 वर्ष तक की आयु के लोगों को रक्तदान करना चाहिए, जिससे कि बहुत बार ये होता है कोई एक्सीडेंट वगैरह, चाहे किसी को रक्त की कमी हो जाती है तो उस बीच बहुत से लोगों की मौत हो जाती है खून ना मिलने के कारण। तो अगर हम आज खून देते हैं और हम युवा हैं तो हमारे अंदर खून बहुत तेजी से बनेगा और इसके साथ जो हमारे अंदर कई सारी सेल्स होती हैं जो मर जाती हैं और उसके बाद अगर वो शरीर में इकट्ठा होने लगती है तो तमाम तरह की बीमारियां, संक्रमण बीमारियां हमारे अंदर पैदा होती हैं। तो हम ब्लड दान करने से हमें बहुत सी बीमारियों से भी बचाव होता है और हमारे ब्लड दान करने से कई परिवार में खुशहाली आ सकती है और लोगों को एक नया जीवन मिल सकता है। रक्तदान महादान। जी, रक्तदान जीवन दान। आप एक पत्रकार हैं और पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पत्रकारों को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि लोग जागरूक करें कि वो भी आगे बढ़ें और किसी का जीवन बचाने में सहयोग करें। ये ना सोचें कि हम कोई दान कर रहे हैं, ये सोचें कि हम एक नया जीवन पैदा कर रहे हैं और ऐसा सोचेंगे तो हर एक व्यक्ति रक्तदान करेगा और हमारे नगेंद्र भैया वो भी रक्तदान करेंगे आज। कैसा महसूस कर रहे हैं रक्तदान दिवस? महसूस कर क्या बताएं भैया, दर्द तो हो रहा है थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो महसूस का तो पूछना नहीं है, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। अच्छा, अब इसको होने के बाद तो और अच्छी फीलिंग आती है, मानी जब ये ब्लड किसी के काम आए तो बिल्कुल मुझे ऐसा आज पूरे दिन भी ऐसा प्रतीत होगा जैसे मैंने किसी को आज एक जीवन दान दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।